नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री के सुपरस्टार से जुड़ी हर वो तमाम खबरें जिसे जानने के बाद आपको होती है बेहद खुशी। और आज भी हम ऐसे ही सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पहली खबर। और पहले खबर ही जुड़ी है एक ऐसे खास शख्सियत से जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। दरअसल हम बात कर रहे हैं मनोज सिंह टाइगर की, जिन्होंने ना सिर्फ इंडस्ट्री में कॉमेडियन के रोल से सबको हंसाया है बल्कि विलन के रूप से और खलनायक के रूप से सबको डराया भी है। इसके अलावा किसी फिल्म और सीरियल्स में इन्होंने बाप के किरदार से सभी को रुलाया भी है। नाट्य मंच के साथ साथ कई सारे हिंदी फिल्मों से भी मनोज सिंह टाइगर जुड़ चुके हैं। इंडस्ट्री में सभी कलाकारों से इनका लगाव इतना ज़्यादा है कि इंडस्ट्री के कलाकारों ने ही इन्हें खुद से नाम दिया है बताशा चाचा, क्योंकि बताशा की तरह ये मीठे हैं और सबके चाचा कहलाते हैं, इसलिए इनको नाम ही यही मिल गया है। और आने वाली काफ़ी सारी फिल्मों में आप इनके कॉमेडी सीन्स देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं वो इनके नाम पर ही बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम है लागल रह बताशा चाचा, जिसमें आम्रपाली दुबे, अविनाश द्विवेदी के साथ कई सारे दिग्गज कलाकार और तकनीशियन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो बताशा चाचा के जन्मदिन पर उन्हें खास फील करवाना तो भाई बेहद ज़रूरी है। तो हम उनके लिए लेकर आए हैं एक खास खबर जिसे देखने के बाद शायद वो भी खुश हो जाएं। देखिए, भोजपुरी सिनेमा के जाने माने चेहरे और दर्शकों से लेकर फिल्मी सितारों तक के चहेते चाचा यानी बताशा चाचा का आज जन्मदिन है, जिन्होंने अब तक ना जाने कितनी सारी भोजपुरी फिल्मों में अपना योगदान दिया है, ना जाने कितने सारे किरदारों में लोगों को हंसाया है, डराया है और रुलाया भी है। इनका असली नाम है मनोज सिंह टाइगर, जो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं दिखे बल्कि मनोज सिंह टाइगर नाट्य मंच के साथ रंगमंच और कई हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। फिलहाल इन्हीं के नाम पर फिल्म लागल रह बताशा चाचा की शूटिंग इन दिनों मुंबई में जोरों शोरों से चल रही है, आम्रपाली दुबे और अविनाश द्विवेदी के साथ। आज सुबह से ही मनोज को बधाई देने वाले फैंस, स्टूडेंट्स और साथ में काम करने वाले को-स्टारों की तरफ से बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। सुनने में आया है कि मनोज टाइगर के जन्मदिन का सेलिब्रेशन आज शाम धमाकेदार पार्टी के साथ होगा, जहां कई सारे भोजपुरिया स्टार्स एक साथ आपको दिखाई देंगे। तो मनोज अपनी कामयाबी की तरफ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, लोगों को ऐसे ही हंसाते रहें और खुद भी हंसते रहें, यही कामना सभी की है। और हमारी तरफ से भी मनोज को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सुनने में आया है कि बताशा चाचा आज अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं और आज शाम एक बहुत धूम धमाके के साथ पार्टी भी होने वाली है जिसमें काफ़ी सारे भोजपुरिया कलाकार पहुंचेंगे भी। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं जल्दी से अगली खबर जो जुड़ी है भोजपुरी की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे से। आम्रपाली दुबे की आने वाली काफ़ी सारी फिल्में हैं जिनमें से कुछ नाम फिल्मों का नाम ही डिसाइड नहीं हुआ है, ये खुद आम्रपाली ने अपने मुँह से एक इंटरव्यू में बताया है। दरअसल आम्रपाली की आने वाली फिल्म बॉर्डर, निरहुआ चले लंदन, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 बैक टू बैक रिलीज होंगी ईद के बाद से, क्योंकि 7-8 महीने से फिल्म रिलीज नहीं हुई है, काफ़ी लंबा समय हो गया, आम्रपाली को खुद ऐसा लग रहा है। लेकिन दर्शकों को सफाई देने के लिए यहाँ आम्रपाली ने कुछ बातें और भी कही हैं। उन्होंने कहा कि आजकल मैं बहुत सिलेक्टेड फिल्में कर रही हूँ, फिल्मों की कहानी को चुन कर करती हूँ और उन्हीं कहानियों को करती हूँ जो मेरे दिल को छू जाती हैं। तो आम्रपाली के दिल को छूने वाली फिल्में दर्शकों के दिल को छू पाती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से अपने इंटरव्यू में अपने फिल्मों का जिक्र कर रही थी उसे देखकर यही लगा कि वो अपनी आने वाली सारी फिल्मों के लिए एकदम आत्मविश्वास से भरी हुई हैं कि फिल्म मेरी हिट होनी ही है। वेल, ये तो दर्शकों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वही जो फिल्में वो कर रही हैं उसके विपरीत हाल ही में निरहुआ के साथ स्टेज पर ठुमके लगाते नजर आई हैं। यादव जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ एक गाना आया था रितेश पांडे का, उस गाने पर इन्होंने स्टेज पर बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। तो हम इसी खबर से जुड़ी एक खास खबर आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। भोजपुरी सिनेमा की ब्यूटी क्वीन और यूट्यूब के लिए लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। वैसे तो हर साल आम्रपाली की सिर्फ 7 से 8 फिल्में ही सिनेमाघरों में रिलीज हुआ करती थी, लेकिन फिर फिल्मों की संख्याओं का दायरा बढ़ा और निरहुआ के साथ आम्रपाली ने अपनी फिल्मों की संख्या को भी बढ़ा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल आम्रपाली के काम करने के अंदाज में थोड़े और बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि इस साल आम्रपाली की ऐसी काफ़ी सारी फिल्में हैं जिसमें आम्रपाली निरहुआ के अलावा और भी कई सारे कलाकारों के साथ नजर आएंगी।
वेल, काफी लंबा समय बीत चुका है, साल की शुरुआत भी काफी पहले हो चुकी है और अभी तक आम्रपाली के फैंस को उनकी एक भी फिल्म सिनेमा घरों में देखने को नहीं मिली है। तो वहीं सुनने में आया है कि आम्रपाली भी स्क्रीन पर दुखने के लिए बेताब हैं। इसलिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों का जिक्र करके बताया है कि सबसे पहले उनकी फिल्म बॉर्डर रिलीज होगी, उसके बाद निरहुआ चलल लंदन और फिर निरहुआ हिंदुस्तानी 3 भी रिलीज होगी। इसके अलावा आम्रपाली की काफी सारी फिल्में ऐसे भी शूट होकर और बनकर तैयार हो चुकी हैं जिनका नाम अभी सोचा नहीं गया है। इसके साथ ही आम्रपाली ने बताया कि अब वो सारी फिल्में एक साथ साइन नहीं करती, वो पहले कहानी पढ़ती हैं क्योंकि वो फिल्मों की कहानी चुनने के मामले में काफी सिलेक्टिव हो चुकी हैं। इसलिए वो सिर्फ उन्हीं कहानियों और फिल्मों के लिए हाँ करेंगी जिसकी कहानी आम्रपाली के दिल को छूलेगी या जो आम्रपाली को पसंद आएगी। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली फिल्म और स्टार से जुड़ी खबर, जो फिल्म का नाम है राज तिलक। इस फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू नजर आने वाले हैं और अरविंद अकेला कल्लू के साथ अवधेश मिश्रा और सुशील सिंह भी आपको नजर आएंगे। अवधेश मिश्रा का अहम किरदार इस फिल्म में आप सभी को देखने को मिलेगा, तभी तो अवधेश मिश्रा ने अपनी इस फिल्म के लिए इतना लुक बदला है और इस फिल्म में वो पुरोहित के अंदाज में नजर आने वाले हैं। लेकिन अभी तक राज तिलक फिल्म में आखिर हीरोइन है कौन, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है क्योंकि अरविंद अकेला कल्लू ही एक ऐसे स्टार बचे हैं जिन्होंने अभी तक कोई जोड़ी नहीं बनाई है या फिर अभी तक वो किसी एक हीरोइन के साथ नजर नहीं आए। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस फिल्म में कल्लू के साथ कौन से हीरोइन नजर आती हैं। फिलहाल हम अवधेश मिश्रा के लुक से जुड़ी और इस फिल्म से कुछ जानकारी लेकर आपके लिए आए हैं, देखिए। बिना पुरोहित के किसी का राज तिलक संभव नहीं है, इसलिए निर्माता प्रदीप के शर्मा और निर्देशक रजनीश मिश्रा ने अपनी भोजपुरी फिल्म राज तिलक में एक खास पुरोहित को कास्ट किया है जिनका नाम है रंजन सिन्हा। इनकी पहचान इंडस्ट्री में अब तक पीआरओ की रही है, मगर निर्देशक रजनीश मिश्रा और निर्माता प्रदीप के शर्मा ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म राज तिलक में कास्ट किया है। जी हाँ, रंजन सिन्हा इस फिल्म में भोजपुरी के धांसू एक्टर अवधेश मिश्रा को राज तिलक करते नजर आएंगे। पिछले दिनों रंजन सिन्हा की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी जिसमें वो पुरोहित के भेष में भोजपुरी के वर्सेटाइल एक्टर अवधेश मिश्रा का तिलक लगा रहे थे। संभवतः ये फिल्म का महूर्त शॉट था। इसके बाद फिल्म की शूटिंग वाराणसी के अकोढ़ा में शुरू हुई। बता दें कि फिल्म का निर्माण बाबा मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया जा रहा है। बता दें कि रंजन सिन्हा पीआर के क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने 14 साल के पीआर करियर में सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, खेसारी लाल यादव, अवधेश मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी बतौर प्रचारक बेहतरीन काम किया। अब तक उन्होंने 450 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों के लिए पीआर किया है। अभी तक आप लोग भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर 4-5 फिल्में एक साथ देख रही होंगी, शायद वो आपको पसंद भी आई होंगी। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि जब ये फिल्में लगना बंद हो जाएंगी तो आप लोग सिनेमाघरों में फिल्मों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 1 जून को एक बार फिर से एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 2। इस फिल्म में सीमा सिंह के साथ और भी कई सारे कलाकार आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इस फिल्म से जुड़ी एक खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए। एक जून से बहु प्रतीक्षित भोजपुरी फिल्म प्लेटफॉर्म नंबर 2 बिहार और झारखंड में एक साथ प्रदर्शित की जाने वाली ब्लू ब्रज फिल्म के बैनर तले इस फिल्म को निर्मित किया गया है। ये फिल्म प्यार, मोहब्बत, रोमांस, दुश्मनी और मारधार से भरपूर है। इस फिल्म से सिने जगत में दो नए चेहरे राहुल सिंह और रेशमा शेख अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर ये नई जोड़ी राहुल रेशमा अपने हुनर का जौहर दिखाने वाले हैं। फिल्म की पूरी शूटिंग झारखंड के खूबसूरत शहर रांची के रमणीय स्थलों पर की गई है। बड़े पैमाने पर उम्दा तकनीकी के साथ निर्मित की गई भोजपुरी फिल्म प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह से मनोरंजन पूर्ण है और इस फिल्म के गाने और ट्रेलर जानी मानी म्यूजिक कंपनी वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज भी किए गए हैं, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म के निर्माता रेशमा शेख हैं, सह निर्माता डॉक्टर नजमा शेख और सह निर्माता सुरेंद्र प्रसाद सिंह हैं। फिल्म का निर्देशक किया है निर्देशक रॉबिन्स कुमार सिन्हा ने। फिल्म के सारी गाने बहुत ही कर्णप्रिय हैं जो आप लोग शायद सुन भी चुके होंगे। इस फिल्म में आपको आइटम क्वीन सीमा सिंह का आइटम डांस भी देखने को मिलेगा। तो सिर्फ 1 दिन बाद आप अपने नजदीकी सिनेमा घर में यानी बिहार और झारखंड के सिनेमा घर में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 2।
तो ये थे आज की सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। चलने का समय हो चुका है, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट। अगली बार फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।